तो क्या हाल चाल टेक्रेटिक फैमिली, होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। एयरपॉड्स प्रो 2 मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एयरपॉड्स प्रो 2 की तरह दिखने वाले सेम हम लोगों ने कर लिए अमेजोन से ये दो प्रोडक्ट ऑर्डर। देखते हैं ये अंदर से कैसे निकलेंगे। पहला एक U&I का एयरपॉड्स प्रो 2, जिसका नाम है U&I वॉन्ट टू विन बेस म्यूजिक और वायरलेस ईयरबड्स। एंड सिमिलरली ये वर्नी एक कंपनी आती है, इसका भी हम लोगों ने ऑर्डर किया अमेजोन से और इसका नाम था वर्नी प्रॉक्स। तो ये दोनों बेसिकली हैं तो पूरे वो एयरपॉड्स प्रो 2 की कॉपी, पर इनके नाम अलग देके इनको अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पे या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे इजीली बेच रहे हैं लोग। तो करते हैं इन दोनों को अनबॉक्स और बताते हैं इनके क्या प्राइस थे, क्या हम लोगों को मिले और किस टाइप का इनका साउंड एक्सपीरियंस है हम लोगों का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं U&I के बड्स की। ऊपर से बिल्कुल सेम बॉक्स एयरपॉड्स प्रो 2 जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पे U&I की ब्रांडिंग आ गई है। नीचे बेस म्यूजिक, नीचे की तरफ देखें तो वेलकम सीरीज का ये प्रोडक्ट है और वायरलेस ईयरबड्स TWS 5040 20 आवर्स बैकअप के साथ ऐसे प्रिंट दे रखा है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हम लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं इन्होंने। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, 20 आवर्स का टॉक टाइम है, 30 mAh की इसकी पर ईयरफोन की बैटरी है। टोटल बैटरी इसकी 260 mAh की है। केस की स्टैंड बाय टाइम 400 घंटे का है, जो कि काफी अच्छा है। 10 मीटर का इन लोगों ने डिस्टेंस दिया है, इसकी रीच जो है डिवाइस की वो दी है। बाकी ज्यादा ही कुछ इंपोर्ट डिटेल्स हैं, चाइना से ये प्रोडक्ट आता है, बट हाँ इंडियन कंपनी है। खोलते हैं इसको, करते हैं हम सील को ओपन। बॉक्स भी बिल्कुल एयरपॉड्स प्रो 2 की तरह ही है, बट यहाँ पे एक बस एक रबड़ का पिक पॉइंट मिल जाएगा आपको, उसमें वो नहीं होता, उसमें क्लीन होता है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आए कि इसकी छोटा सा एक टैग है जिसमें वो इसको कवर भी कर रहा है और U&I की ब्रांडिंग के साथ आपका ये चीज थोड़ी सी अलग है। एक एक सिलिकन कवर है जो कि काफी, मैं कहूंगा अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा ही डाउन है और U&I की ब्रांडिंग के साथ है, बट वो केस को बचाता हुआ यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है ये एयरपॉड्स 2 की तरह प्रोडक्ट। बट आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर काफी ज्यादा नॉइस है, हमने ओरिजिनल चेक किया है उसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको साइड में और तब तक हम वर्नी वाले को खोलते हैं, दूसरा जो ब्रांड है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है वर्नी फील द रियल, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा टैग नीचे की तरफ ENC मोड, दैट मींस एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी इन्होंने दावा कर रखा है, 35 घंटे का म्यूजिक टाइम, गेमिंग मोड। साइड की तरफ देखें तो ट्रू वायरलेस ईयरफोन, पीछे की तरफ देखें तो HD कॉलिंग, इन ईयर डिजाइन, सुपर बेस, टच कंट्रोल। टच कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाएगा, टच कंट्रोल दैट मींस वो आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल सारा इस नॉट से आपको पूरा मिल जाएगा। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और चेक करते हैं इसके अंदर क्या कुछ हम लोगों को मिलने वाला है। इस टाइप से इसकी कुछ अनपैकेजिंग होगी। 10 ईयर्स ऑफ जर्नी ऑफ वर्नी जो ये ब्रांड है उसका प्रोडक्ट, इसमें भी वही सेम चीज है, यहाँ पे बस ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ देखें तो इसमें भी सिमिलरली आपको वही नॉइस मिल जाएगा, एक कवर मिल जाएगा सिलिकन कवर वर्नी की ब्रांड का, वो U&I के ब्रांड का था, ये वर्नी के ब्रांड का है, तो ऑलमोस्ट चीजें सेम है। करते हैं इन दोनों बॉक्सेस को साइड में। अब मेन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट सबसे ऊपर देखने में तो काफी सेम लग रहा है और साइड में मैं कहूँगा U&I में तो इवन और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रो 2 का वो है वो दिया ही नहीं गया है, ये प्रो 1 की कॉपी है और वर्नी वाली ये प्रो 2 की कॉपी। तो ये दोनों कुछ प्रोडक्ट है। U&I का ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला 1099 रुपये का और सिमिलरली ये वर्नी वाला हम लोगों को मिला 1299 रुपये का ऑनलाइन वेबसाइट से। अगर किसी को लेना हो तो लिंक हम जरूर दे देंगे, बट इस टाइप के प्रोडक्ट्स के हम रिकमेंडेशन भी नहीं करते हैं। हालांकि कंपैरेटिव टू सम कॉपी प्रोडक्ट्स जो क्लोन हम लोगों ने देखे हैं मार्केट में, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं ये दोनों प्रोडक्ट। हम लोगों ने इसका टेस्ट भी किया और साउंड भी सुन के देखा। आप लोगों को भी थोड़ा सा इसका एक बताएंगे कि क्या है, क्या रहा साउंड में, कहाँ किस में क्या कमी रही। तब तक बात करते हैं इसके केसिंग की। तो केसिंग दोनों की बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वेट जो है टोटो 52 ग्राम्स का वेट है, एज इन जैसा ओरिजिनल में आता है अप्रॉक्स सेम वेट का इन लोगों ने केसिंग बनाई है। जो U&I है उसका आपको पीछे प्रिंट मिल जाएगा TWS 5040 इसके ब्रांडिंग का और आगे एम्बॉज मिल जाएगा इसके अंदर पूरा प्रिंट, और इसमें जो है ऊपर सिर्फ आपको प्रिंटेड मिलेगा, दैट्स इट। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं मिलेगा। वर्नी वाले में नीचे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी आपको, जैसे एयरपॉड्स प्रो 2 में मिलती है GPS के लिए जो साउंड रहता है। अंदर खोलेंगे दोनों को, तो दोनों के अंदर खोलते ही
UNDI के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर इसका प्रोडक्ट कोड और उसका सब कुछ हम लोगों को डिटेल मिल जाएगी। तो बात करते हैं कुछ इसके साउंड की। तो UNDI के साउंड की बात करें, ओके ओके है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट यस क्वालिटी कंपैरेटिव टू तो सम सस्ते वाले क्लोन्स और सम सस्ते प्रोडक्ट्स अच्छी है। ऑलमोस्ट बोट के आसपास की क्वालिटी ये इसमें हम लोगों को मिल पा रही है। एयरपॉड्स प्रो जितनी क्वालिटी तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली आपको 1,000 रुपये में, वो सेम क्वालिटी कोई भी नहीं दे सकता। दैट मीन्स वो क्वालिटी का ही पैसा है जो इतना लिया जाता है, प्लस ब्रांड का, तो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रहते हैं। बट मैं कहूँगा 1,000 रुपये खर्च करने वाले को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट UNDI दे रहा है। काफ़ी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है, ANC इसमें बिल्कुल नहीं है। बात करें इसकी वर्नी की, तो यस वर्नी के अंदर ANC हम लोगों को मिलेगा। 100% वर्किंग नहीं मिलेगा, सम सॉर्ट ऑफ 50-60% आप लोगों को इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वर्किंग मिल जाएगा। ENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जिसको ये वर्नी बोलता है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो एक टक की आवाज आती है और उसमें कंप्लीट आपका जो नॉइस है वो कैंसिलेशन के लिए बिल्कुल आपको क्लीन वो पिक्चर दे देता है। तो दैट मीन्स आपका काफी ज्यादा उसमें साउंड जो है सॉन्ग्स का और म्यूजिक का और कॉल्स का काफी क्लियर साउंड आप लोगों को मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली दोनों के UNDI एंड वर्नी के मुझे तो लगा ये वर्नी काफी ज्यादा बेहतर। 200 रुपये मात्र ऐड करके आप लोग वर्नी में ज्यादा बेहतर एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वर्नी का। मे बी UNDI में कोई आता होगा ANC वाला, तो हम लोग फिर उसको जरूर अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, साउंड कैसा है। दोनों IPX रेटिंग के साथ आते हैं, दोनों प्रोडक्ट कंपनी बताती है कि ये वाटरप्रूफ, डस्ट रेजिस्टेंट है और ब्रेक प्रूफ तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये सेरेमिक है, सेरेमिक तो गिरने से टूट जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। इन्हीं कंपनीज के या इनके अलावा किसी कंपनीज के आप लोग कोई प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, कोई अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम लोग आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और इनके बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए हमसे, वी विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। अब तक आपसे इजाज़त चाहता है टेक क्रिटिक, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप की फर्दर मोर वीडियोज एंड कंटेंट पाने के लिए।